लेकिन सबके बीच पश्चिम बंगाल से यह खबर है कि वहां पर प्रधानमंत्री की समीक्षा बैठक में शुभेंदु अधिकारी शामिल होंगे। यह बड़ी खबर, शुभेंदु अधिकारी और बीजेपी एमपी देवाश्री चौधरी को इस बैठक में बुलाया गया है। तूफान पर समीक्षा करेंगे प्रधानमंत्री मोदी और सीएम ममता बनर्जी। लेकिन इन सबके बीच ये एक बड़ी खबर आ रही है कि शुभेंदु अधिकारी भी इस बैठक में शामिल होंगे। रविशंकर दत्ता इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रविशंकर, क्योंकि इस बैठक को लेकर पहले ये इन्फॉर्मेशन आ रही थी कि मुख्यमंत्री के साथ जो बैठक है वो होगी, लेकिन इन सब की भी शुभेंदु अधिकारी का वहां पर मौजूद होना और एमपी को भी बुलाया जाने इस बैठक के लिए, क्या बता रहा है? देखिए, ये मीटिंग में पहले ये तय था कि प्रधानमंत्री और ममता बनर्जी एकदम सीक्रेट एक मीटिंग करेंगे जहां मीडिया प्रेस कोई भी अलाउड नहीं होंगे। ये यश के बाद पिछले साल आम्फान और इस यश के बाद पश्चिम बंगाल के जो नुकसान हुआ है उसका भरपाई कैसे होगा, क्या रिलीफ फंड घोषणा की जाएंगी केंद्र सरकार की तरफ से, उसका वहां पे चर्चा होगा। लेकिन अब ये खबर आ रही है कि शुभेंदु अधिकारी, क्योंकि वो पूर्व मेदिनीपुर और नंदीग्राम का विधायक है, इसलिए वो यहाँ पे रहेंगे और वो विपक्ष के दल नेता भी है। पश्चिम बंगाल सरकार जो है विधानसभा से वो विपक्ष के दल नेता भी है और देवश्री चौधरी जो की मंत्री भी है, यहाँ पे केंद्र सरकार के मंत्री भी है, उनको भी बुलाया गया है। तो ये पूरा जायजा लिया जाएगा कि पश्चिम बंगाल में क्या नुकसान हुआ है, क्या नहीं हुआ है और इसका बाद कैसे इसका भरपाई किया जाएगा, इसके लिए एक मीटिंग बुलाया गया। अब क्योंकि ममता बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी का बीच कांटे का टक्कर रहा है जब से उन्होंने बीजेपी ज्वाइन किया है और क्योंकि ममता बनर्जी नंदीग्राम से हार गई है शुभेंदु अधिकारी के साथ फाइट करते हुए, तो दोनों का पहली बार आमना सामना मिलना ये अपने आप में एक अनोखा चीज है। अब इसमें कैसे ममता बनर्जी रिएक्ट करती है, क्योंकि उनको ज्यादा गुस्सा आता है तो कैसे वो रिएक्ट करती है, तो ये अब देखने वाली बात है। चलिए, तो इन सब पर भी नजर होगी। लेकिन सबसे अभी जो इम्पोर्टेंट है, किस तरह से जो यास तूफान आया इसके बाद मदद पहुंचाई जाए और इसी को लेकर ये बैठक और जो दौरा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उड़ीसा और पश्चिम बंगाल का। शुक्रिया आपका। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारत वर्ष पर।